हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बेरोजगारी भत्ते संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेकर आए। यदि आप भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करते हैं या आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज में सबसे पहले आप देख सकते हो आपको क्या बताया गया है। बेरोजगारी भत्ता 2024-25 8,000 रुपये अब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अभी कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव अलग अलग चरणों में हो रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी की सरकार और कांग्रेस पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही है। और इसी बीच आज आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिली है, 8,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के तौर पे दिया जाएगा। कितनी उम्र तक ये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा और युवाओं की क्या मांग है वो डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये बेरोजगारी भत्ता किन युवाओं को मिलेगा, क्या 12वीं पास को भी ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपको क्या अपडेट बताया गया है इस बेरोजगारी भत्ते में। हम आपको फिर जो लेटर जारी हुआ वो लेटर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। आपने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है, आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, किस वजह से नहीं मिल रहा वो डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन कंटिन्यू आपको वीडियो वॉच करना है। सबसे पहले आपके पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड। यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यहाँ बेरोजगारी भत्ते में तीन चरण आपको बताए गए हैं, तीन चरण आपको कंप्लीट करने होंगे। और ये जो चरण है आपको इस वीडियो में इनकी डिटेल्स जानने को मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास उस राज्य का, यानी कि संबंधित राज्य का मूल निवास आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास जैसे कि आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, यूपी से, इसके साथ आप छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, अन्य स्टेट से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का मूल निवास आपके पास होना अनिवार्य है। इसके साथ आपके पास संबंधित बैंक दस्तावेज या अकाउंट्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक वैलिड बैंक पासबुक होनी चाहिए, आधार कार्ड से वो लिंक होनी चाहिए, और इसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। ये तो आगे इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पास दस्तावेज की लिस्ट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई। इसके बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता क्या है, यानी कि इसमें स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जैसे कि आपके राज्य में बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जा रहा है तो वहाँ का स्थायी निवासी आपको होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपकी जो शर्त है वो है युवा किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको बेरोजगार होना आवश्यक है। यानी कि आपके पास कोई भी रोजगार ना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। काफ़ी सारे क्या करते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में लेन देन लाखों में हो रहा है और उसके बाद भी वो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, यानी कि आप कम से कम, इसमें आपको कम से कम बताया 18 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना होगा, कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। और इसके बाद जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है वे योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि इसमें आपको ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों को अलग और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों को अलग अलग बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी कि आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा जो है भत्ता दिया जाएगा और अन्य जो ग्रेजुएशन पास है उन अभ्यर्थियों को कम भत्ता दिया जाएगा। लिस्ट हम आपको वॉच कराएंगे। और इसमें आपको क्या बताया गया है, जो उम्मीदवार योजना का लाभ लेना चाहता है उन्हें ऑनलाइन एम्प्लॉय एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, उस संबंधी डिटेल्स आपको वहां सबमिट करनी होगी। बेरोजगारी भत्ता का लाभ उन सभी युवाओं को मिलेगा जो बेरोजगार है और ग्रेजुएशन पास है। ये आप देख सकते हो ये किनको मिलेगा, ग्रेजुएशन पास
यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी एक तो और एक है ग्रेजुएशन, दोनों अभ्यर्थियों को ये बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कल जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें विषय सूची आप देख सकते हो किस विषय पे ये जो मैनिफेस्टो है जारी हुआ है एंड किन किन विषयों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले इसे दारी आपको बताया गया है कि युवा न्याय, युवाओं के लिए न्याय, ये ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो आपको करना क्या है, 11 नंबर का पेज है वो ओपन करना है। जैसे ही हम 11 नंबर का पेज ओपन करते हैं इसमें तो आपको जानकारी मिलेगी कि आपको कितना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ ओपन हो जाता है आपका न्यूज़पेपर या जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था कल। और यहाँ आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कोई फैक्ट जानकारी अभी आपको नहीं दी जा रही है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग बेरोजगारी भत्ता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने आप सभी को बड़ा तोहफा दिया है। पहली नौकरी पक्की गारंटी कांग्रेस, इसमें शिक्षु अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षु अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। ये कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी व सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में एक साल का प्रशिक्षित्व कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को ₹1,00,000 प्रतिवर्ष का मानदेय दिया जाएगा, जो नियुक्तिता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। तो इसमें आपको बताया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं ग्रेजुएशन पास है, यानी कि आपने कॉलेज कर ली, कॉलेज के बाद आपको इसमें जॉब मिलेगा और ₹1,00,000 प्रति ईयर्स आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हो ₹1,00,000 प्रति वर्ष का मानदेय आपको दिया जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक युवा को रोजगार मिलेगा, समथिंग ₹8,000 का आपको इसमें भत्ते के तौर पे दिया जाएगा, एक साल के लिए दिया जाएगा। और भी युवाओं के लिए कल बड़ी घोषणा हुई है और इसमें फिर ये बताया गया है कि ये जो बताया गया है कि 30,00,000 जो रिक्त पद हैं कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30,00,000 रिक्त पदों को भरेगी। कांग्रेस ये निर्धारित करेगी पंचायत और नगर निकायों में रिक्तियों राज्य सरकार की सहमति से निश्चित समय सारणी के अनुसार भरी जाएगी। यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं 30,00,000 वैकेंसीज जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली पड़ी हैं उन सभी को कांग्रेस की सरकार जो है कंप्लीट करवाएगी। और भी काफ़ी सारी घोषणा हुई है कल इसमें मैनिफेस्टो में। और इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट और डिटेल्स बताई गई है कि कोरोना काल में जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। यानी कि इस महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे हैं उनको एक बार और एक राहत दी जाएगी। यानी कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के जो एग्जाम वगैरह हो गए थे, उनकी ज्वाइनिंग आने वाली थी, उनका जो भी एग्जाम थी वो रद्द कर दी गई थी, उन सभी को मौका मिलेगा। ये आपको इसमें बताया गया शायद हो सकता है। और इसमें फिर आपको बताया है कि कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरे हुए खिलाड़ियों को प्रति माह ₹10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। इसमें आपको अलग अलग अपडेट बताया गया है। अब बात करेंगे कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो कैसे मिलता है आपको, यानी कि प्रत्येक राज्य की बेरोजगारी भत्ते की लिस्ट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में आपको कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ₹7,000, ठीक है, ये बेरोजगारी भत्ता आपको मिलता है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है 3,500 से लेकर 4,000, ठीक है, ये भत्ता आपको दिया जाता है। इसके साथ बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में भी 2,500 के समथिंग जो है आपको भत्ता दिया जाता है। यानी कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी करते हैं कि हाँ फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसकी जो दिशा निर्देश जारी होते हैं वो नहीं पढ़ पाते और उसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस राज्य की बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता है। इस राज्य से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको किस राज्य की बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में उस राज्य की बेरोजगारी भत्ते की डिटेल्स समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, या आपको टेलीग्राम चैनल पर कुछ लिंक उपलब्ध करवाएंगे, उसकी सहायता से आप
उस राज्य की बेरोजगारी भत्ते की स्कीम को जान सकते हैं कि आपको बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है। और अभी जो कल घोषणा हुई है इसमें 8,800 के समथिंग जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, एक साल आपको नो इसमें दिया जाएगा एक साल का। और इसमें जैसे ही आपने ग्रेजुएशन पास की तो आपसे फॉर्म भरा जाएगा निजी और सरकारी कंपनियों में आपको जॉब दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए अच्छी योजना हो सकती है। और इसी के साथ अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, केरल में आपको 3500 के समथिंग बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और सभी राज्यों की अलग अलग बेरोजगारी भत्ते की लिस्ट हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको करना क्या है, आपको संबंधित राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप अपने राज्य की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं।